हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रवीण। आप देख रहे हैं थिंक टेक्निकल। फ्रेंड्स, अगर आप एक वीडियो क्रिएटर हैं तो ये वीडियो आपको बिना स्किप किए पूरा देखना होगा, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे स्मार्टफोन के बारे में बताने वाला हूं जिसमें आपको वीडियो क्रिएट करना काफ़ी आसान है और काफ़ी बेहतर वीडियो भी इसमें आप क्रिएट कर सकते हैं। चाहे आप यूट्यूब पर वीडियो क्रिएट करते हैं या आप शॉर्ट वीडियो क्रिएट करते हैं, जैसे कि चिंगारी, रिपोसो या अदर कोई भी शॉर्ट वीडियो ऐप पर आप वीडियो अपलोड करते हैं, तो उसके लिए आपको वीडियो अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको ऐसे स्मार्टफोन के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें आप अपनी वीडियो की जो कैमरा क्वालिटी वो भी अच्छी है, आपको एडिट करना भी काफ़ी आसान होगा क्योंकि सॉफ्टवेयर रुकेगा नहीं। अगर आप सस्ते स्मार्टफोन लेंगे तो उसमें वीडियो एडिट करने में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि सॉफ्टवेयर अच्छे से वर्क नहीं करेंगे, जैसे कि काइनमास्टर या दूसरा कोई भी सॉफ्टवेयर वीडियो एडिट करने वाला होगा वो वर्क नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको अच्छा स्मार्टफोन ही लेना होगा। तो इस स्मार्टफोन में क्या क्या फीचर हैं मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। इस स्मार्टफोन का नाम है सैमसंग गैलेक्सी A70। इसमें आप वीडियो अच्छे से एडिट भी कर पाएंगे और कैमरा क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। सैमसंग गैलेक्सी A70 में आपको 6GB रैम और 128GB स्टोरेज मिलेगी, जो काफ़ी बढ़िया है। बैक साइड में आपको 3 कैमरे मिलेंगे। मेन कैमरा 32MP का है, उसके साथ 8MP और 5MP का ट्रिपल रेयर कैमरा है और फ्रंट में आपको 32MP का कैमरा मिलेगा। स्क्रीन है FHD+ स्क्रीन मिलेगी, जो काफ़ी बढ़िया है। उसमें 16 मिलियन कलर्स सपोर्ट करते हैं। इसमें आप 512GB तक एक्स्ट्रा स्पेस बढ़ा सकते हैं और 2 सिम डाल सकते हैं जो दोनों 4G सपोर्ट करेंगी। इसमें आपको एंड्रॉयड B9 ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है और इसमें SDM675 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, जो काफ़ी बढ़िया है। इस 45,000 mAh लिथियम आयन बैटरी है जिसमें 25W का फास्ट चार्जर मिलेगा। प्रोडक्ट के साथ 1 ईयर की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी भी मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।